हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी वाई फाई स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम में कितने नंबर पर कौन सी ग्रेड मिलती है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर कितने नंबर पर पास होते हैं, यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर होने चाहिए और कितने नंबर पर कौन सा ग्रेड आता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, आप सभी को आज यही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको कितने नंबर लाने हैं, तब कौन सी ग्रेड मिलेगी और कम से कम आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो भी साथी नए हों चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखो पास होने के लिए आपको 50 नंबर लाने होंगे, यानी कि पासिंग जो मार्किंग है वो 50 है, 50 आपको लाने होंगे। पूरा पेपर जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है। ठीक है, फुल पेपर आपका 100 नंबर का होता है और जिसका टाइमिंग आपको दिया जाता है 90 मिनट का। तो ध्यान रखना है टाइम कितना होता है, 90 मिनट का होता है और पेपर आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 50 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। ये तो आपकी पासिंग मार्किंग हो गई, है ना। 50 से अगर नीचे हैं आपके तो आप पास नहीं होते हैं, यानी कि 50 में आप पास होते हैं। ग्रेड की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं टेबल में, 50 से अगर आपके 54 के बीच में नंबर होते हैं, 50 से और 54 के बीच में अगर नंबर होते हैं तो आपको डी ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 50 से 54 में डी ग्रेड मिलेगी आपको। उसके बाद जब 55 या फिर 55 से 64 के बीच में अगर आपको नंबर मिलते हैं तो सी ग्रेड आपको मिलती है। ठीक है, तो 55 से 64 तक सी ग्रेड होती है। 64 के बाद जब 65 और 74 के बीच में, 65 से लेकर के 74 नंबर तक अगर आप लाते हैं तो आपको बी ग्रेड दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में 75 से 84 अगर इसके बीच में नंबर आपके होते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलती है। अब आपको ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम नंबर कितने होने चाहिए, 75 होने चाहिए। और यहां पर अगर आपके 85 या 85 से ज्यादा नंबर अगर आपको मिलते हैं तब आप एस ग्रेड लाते हैं, यानी कि सुपर लाते हैं। ठीक है, तो एस ग्रेड कब मिलेगी आपको, जब आपके नंबर 85 से ऊपर होते हैं। ठीक है, 85 से 100 के बीच में आपको एस ग्रेड मिलता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम आप पासिंग का जो नंबर है, मार्क्स आपको कितने लाने होंगे, 50 लाने होंगे तब आप डी ग्रेड में पास होंगे और 55 लाएंगे तब आप सी ग्रेड में पास होंगे। तो ये पूरा का पूरा टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके अब समझ में आ चुका होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और जो भी साथी नए हों आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।